गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. आई वीना रानी फ्रॉम विजडम स्कूल. वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन हिंदी क्लास. जैसा कि आप जानते हो, आज हम क्या करेंगे, पार्ट 8 का टेस्ट है तो क्या करेंगे हम, रिवीजन है ना. आई नो यू नो वेरी वेल कि आज रिवीजन वीडियो आएगा, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 विशेषण के लिए रिवीजन. विशेषण, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए विशेषण किसे कहते हैं. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जैसे पानी की विशेषता बताई, थोड़ा. पानी कैसा है? थोड़ा. गुलाब की विशेषता देखिए, लाल. गुलाब क्या कैसा है? लाल. लड़की की विशेषता बताई गई, वो कैसी है? सुंदर. तो ये विशेषताएं होती हैं. ये शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण. इसके अलावा देखिए, कुछ शब्द जो है विशेषण शब्द गुण अवगुण में आते हैं. जैसे अच्छा, बुरा, बहादुर, डरपोक, ईमानदार, साहसी. तो ये सारे कि उनके बारे में बताया जाए कि उनका स्वभाव कैसा है, उनके अंदर कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन से दोष हैं, बुराइयां हैं, अवगुण हैं. तो वो किस में आते हैं? गुण अवगुण में. और कुछ विशेषण शब्द क्या होते हैं? आकार में आते हैं. छोटा, बड़ा, ऊंचा, नीचा, मोटा, पतला, लंबा, ये सारे किस में आएंगे? आकार में. माप तोल वाले विशेषण शब्द कौन से होते हैं? माप तोल वाले. 3 किलो, 8 किलो, 5 किलो, 50 किलो, 4 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 5 लीटर. तो ये सारे जिसके साथ संख्या के साथ साथ मात्रा भी होगी वो माप तोल में आएंगे. रंग रूप में सुंदर, काला, गोरा, भद्दा, है ना, खूबसूरत, ये सारे किस में आएंगे? रंग रूप में. अवस्था में बूढ़ा, जवान, बचपन, बुढ़ापा आदि किस में आएंगे? अवस्था में विशेषण शब्द. संख्या, संख्या में क्या कौन से आएंगे? दूसरा, पांचवा, 4, 100, 8, 15, 20, ये किस में आएंगे? संख्या में. तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है. विशेषण शब्दों में गुण दोष, रंग रूप, अवस्था, आकार, माप तोल आदि के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं, जो मैंने अभी आपको पीछे करवाई ये वाले. उसके बाद ये विशेषण किसे कहते हैं, ये हमारी हो गई है परिभाषा 2-3 बार. अब बूढ़ा का विशेषण रूप क्या है? अवस्था. अभी मैंने बताया ना, देखिए बूढ़ा किस विशेषण शब्द में आता है? अवस्था वाले. और मोटा का विशेषण रूप आकार. मोटा किस में आता है? आकार में. उसके बाद ये देखिए, विशेषण के 2-2 उदाहरण दीजिए, काला, मोटा, जवान आदि. 2 उदाहरण देने थे तो मैंने 3 दे दिए उदाहरण. उसके बाद प्रश्न 3 है, नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए. नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण शब्दों को रेखांकित कीजिए. बूढ़ा आदमी धीरे चल रहा है, इसमें विशेषण शब्द क्या है? बूढ़ा. मीना ने रमन को 50 रुपए दिए, तो इसमें आदमी की विशेषता बताई थी वो कैसा है? बूढ़ा. इसमें रुपए की विशेषता बताई है, संख्यावाचक विशेष संख्या में आ गया ना, ये कितने रुपए? 50. तो 50 क्या हो गया? विशेषण शब्द, इसको रेखांकित करना है. मेरे घर 2 लीटर दूध आता है, दूध की विशेषता बताई गई है 2 लीटर, तो इसको हमने रेखांकित करना है, ये विशेषण शब्द है. खजूर का पेड़ ऊंचा होता है,
पेड़ की विशेषता अब क्या है, वह ऊंचा है तो इसको रेखांकित कर देंगे। सींग बलवान पशु है, सींग की क्या विशेषता है, पशु की क्या विशेषता है, वह बलवान है, तो ये विशेषण शब्द हो गया, इसको रेखांकित कर देंगे। प्रश्न चार है, दिए गए विशेषण शब्दों से खाली स्थान भरिए। सीमा एक गरीब लड़की है, सीमा एक गरीब लड़की है, मेरा भाई बहुत होशियार है। सीमा की क्या विशेषता है, वह गरीब है। भाई की क्या विशेषता है, वह होशियार है। बहादुर सैनिक युद्ध कर रहे हैं, बहादुर सैनिक कैसे हैं, बहादुर, सैनिकों की विशेषता क्या हुई, बहादुर। पिताजी ने 3 किलो आम खरीदे, आम की विशेषता क्या है, 3 किलो। मेरे बाल काले हैं, बालों की विशेषता बताने वाले शब्द क्या है, काले, तो काले क्या हो गया, विशेषण शब्द। उदाहरण देकर सही शब्द लिखिए। सुंदर लड़की, लड़की के लिए क्या विशेषण शब्द प्रयोग किया गया, सुंदर, और सुंदर के लिए क्या संज्ञा या सर्वनाम शब्द, संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया, लड़की। तो ऐसे ही विशेषण शब्द दिए हुए हैं, अब हमने इनके लिए संज्ञा या सर्वनाम शब्द लिखने हैं। 2 लीटर दूध, पानी भी लिख सकते हो, लस्सी भी लिख सकते हो, जूस भी लिख सकते हो। थोड़ा पानी, थोड़ा दूध, थोड़ा जूस, कुछ भी लिख सकते हो। हरा तोता, हरा विशेषण शब्द क्यों, क्या दिया हमने, हरा तोता। हरा स्वेटर, हरा कपड़ा, हरा तौलिया, कोई भी संज्ञा शब्द आप दे सकते हो, उचित हो, जो सही हो। मोटा हाथी, मोटा आदमी, मोटा सूट, तो ये विशेषण शब्द दिए हुए हैं, उनके लिए हमने संज्ञा शब्द दिए हैं। नीला आसमान, नीला कपड़ा, नीला पेन, ऊंचा पेड़, ऊंचा पहाड़, ऊंचा पर्वत। 5 आदमी, 5 रुपए, 5 केले, 5 सेब, 5 किताबें, ठीक है, आप कोई भी उचित संज्ञा शब्द लिख सकते हो। काली कोयल, काली कमीज, काली टोपी, काली गुड़िया, तो ये रिवीजन थी विशेषण पाठ की। देखिए बच्चों, इसी पुस्तक का पेज नंबर 99, क्रियाकलाप 3, मैंने 7 दिसंबर को आपको करने के लिए दिया था। ये पार्ट 6 और 7 पर, जो पार्ट 6 और 7 आप कर चुके हैं उसके आधार पर था, ये पार्ट 6 और 7 के आधार पर। आई होप आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया होगा, फिर भी मैं इसका सोल्यूशन भेज दूंगी, आपने मैचिंग करनी है। अगर आपका सही है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं सही है तो आप मैच करके इसको सही कर लेंगे। ओके, टेक केयर बच्चों।